जयपुर और कुशहा होता जुटा है। जयराजपुर बनाम खंडवारी, खंडवारी फील्डिंग कर रही है, जयराजपुर बैटिंग। एक एक शेयर और एक एक लाइक करते जाइए वीडियो को। उसामा खंडवारी सब लाइव चल रहा है भाई, सब लाइव चल रहा है, वहां कभी लाइव चल रहा है, यहां कभी। सिक्स गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, पैस के बल्लों से निकलता हुआ चल। भरौली का भी चल रहा है, यहाँ का भी चल रहा है, जिसको जो देखना है उसमें जुड़ के देखे, इसी पेज पे दोनों लाइव है। ये मुकाबला हो रहा है जयराजपुर बनाम रिजला 11 खंडवारी के बीच। हाँ,
स्टेट बाउंड्री के बाहर। लालगंज का मैच हो गया भाई। फैज और अंकित की जोड़ी मैदान में है। पहले ओपनिंग पार्टी ओपनिंग के रूप में आए हैं। नसीरपुर आज नहीं आई है, शायद कल आएगी। लालगंज का मैच हो गया, कमलेश यादव लालगंज का मैच हो गया। मैं था नहीं, मुझे अर्जेंटली कहीं जाना था तो वो मैच लाइव नहीं हो पाया है। 4+4 ओवर का होगा दानिश, 4+4 पहला ओवर हो गया। हाँ ओसामा है, पहला ओवर ओसामा ने ही किया था। जयराजपुर बैटिंग कर रही है। क्लीन बोल्ड कर दिया फैज, क्लीन बोल्ड। जयराजपुर को लगने वाला पहला झटका। भाई पहले तो आपका वही नहीं समझ में आ रहा है कमेंट, अब्दुल्ला आजमी। अगर राजापुर सिकरौर का पूछ रहे हो तो भाई टीम तो यहाँ पर काफी बैठी हुई है, अब कमेटी के ऊपर है किसका मैच कब करा रहा है। भाई सेम जवाब आपका भी है अंदर, आजमगढ़ भाई खुरासों का कब है, वही सेम जवाब की कमेटी जब बताएगी। टीम तो काफी है यहाँ पर, अब कमेटी के ऊपर है कब किसका खिलाती है, खिलाड़ियों को भी नहीं पता है कि कब होगा। भाई दिक्कत यह है कि कमेटी अब किसको कब खिलाती है मैं नहीं बता सकता, इसीलिए बहुत से गांव वाले पूछ रहे हैं तो भाई मैं कैसे बता सकता हूँ। कमेटी अब बताए कि हाँ फला टीम का मैच है तो मैं बताता चलूँ।
मैं अभी बता दूं, पता चला नहीं खेला है तो वो भी लोग गुस्सा होते हैं। क्लीन बॉल्ट अंकित भी आउट। उन्नीस रन बन चुका है जयराजपुर का। दूसरा ओवर चल रहा है, दूसरे ओवर की शायद लास्ट बॉल है। कर्मैनी में टूर्नामेंट होने वाला है, कल से जाना है कि नहीं आसिफ भाई? नहीं दानिश भाई, वो कर्मैनी में, कर्मैनी का ही लड़का है जफर एनजेड। हमजा भाई तो बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आ जाओ, लेकिन जब है वहाँ पर दिखाने वाले तो मैंने कहा कि इधर भी काफ़ी टूर्नामेंट है, अगर उधर चला जाऊँगा तो फिर काफ़ी गैप हो जाएगा। वाह जबरदस्त फील्डिंग। बार वक्त भरौली में भी चल रहा है टूर्नामेंट, वहाँ भी तीसरा दिन है और यहाँ भी तीसरा दिन है। तो दो ओवर की समाप्ति पर जयराजपुर का टोटल स्कोर है 20 रन। खंडवारी ओसामा बॉलिंग कर रहे हैं। रन आउट, जयराजपुर का विकेट पे विकेट गिरता हुआ।
चार प्लस चार ओवर का मैच है, तीसरा ओवर चल रहा है, 25 रन के आसपास बने हुए हैं। पहली पारी है, छाऊ में हो रहा है, बखरा अभी भरौली में खेल रही थी, बखरा की टीम आज भरौली में खेल रही थी, यहाँ अभी नहीं आई है, हो सकता है आज आए या कल आए। कैच है वहां पर, खिलाड़ी कैच आउट। खेता सराय की टीम यहां नहीं आई है भाई। नहीं, कहीं का कोई गड़बड़ नहीं है, मैच नहीं रुका होगा या कोई अभी टीमें नहीं आई होंगी, कुछ चक्कर होगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई। गाहनी कल अपना मैच जीत कर गई है, अब देखना है दूसरा राउंड जब स्टार्ट होगा तब गाहनी को फिर बुलाया जाएगा। आपका भी दिल से सलाम भाई, आप लोग अच्छे से लाइव देखते हैं, आप लोग का भी शुक्रिया, और जो लोग सिर्फ कमेंट करने के लिए लाइव देखते हैं वो तो लगता है आज। आरपीएस भाई आई तो है, मुझे लगता है आसिफ भाई सिक्ठी में जितना लाइव में आपको देख रहे थे करीब 3500 लोग देख रहे थे, कहीं और नहीं देख रहे, वो पहली बार था मेरे पेज पर, पहली बार 3500 से 3600 लोग वहां पर लाइव देख रहे थे, वो फाइनल भी था और जो है कामरान खान का भी कुछ असर था उस पर, बहुत असर था कामरान खान का। कैच ड्रॉप, वालेकुम अस्सलाम। हिटलर भाई नहीं आए हैं शायद, हिटलर भाई की तबीयत सही नहीं थी, दिन बात हुई थी। अब भाई एक बार पूछोगे तब भी बताऊंगा कि जो है कमेटी जब अनाउंस करेगी तब बता दूंगा। छब्बीस रन बन चुका है, जयराजपुर पहले बैटिंग कर रही है, अब चौथा ओवर चल रहा है। भाई हुजैफा भाई मुझे मालूम नहीं है, बहुत सारी टीमें आके बैठी है, बहुत सारी टीमें आके बैठी है, अब वो चलिए भाई शुक्रिया, आप लोग मैच देखिए, फालतू कमेंट करने वाले लोग भी आ गए हैं तो आप लोग मैच देखिए। अब तो बाहर मौसम है, मौसम है,
44 रन बन चुका है, चौथा ओवर चल रहा है, 44 रन बन चुका है। जयराजपुर पहले बैटिंग कर रही है, लास्ट ओवर चल रहा है, 44 रन बन चुका है। चार ओवर में 46 रन बनाया है जयराजपुर ने। खंडवारी को अगर ये मैच जीतना है तो चार ओवर में 47 रनों का टारगेट है। ओसामा खंडवारी टीम के साथ है। संजरपुर मेन टीम अभी नहीं आई है, राजापुर सिकरौर की मेन टीम अभी नहीं खेली है, जागापुर की टीम अभी नहीं खेली है, खुरासो की टीम अभी नहीं खेली है। कब होगा ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा ना, क्योंकि कमेटी कब किसका खेल खिलाएगी, कब किसका मैच कराएगी, ये पूरी तरह कमेटी पे डिपेंड है। गाहनी भाई कल ही जीत के गई, जनवर लाल उड़ जाए तब दिक्कत हो जाएगी।
भाई बैठ गया आराम से। कहानी की टीम कल एक मैच जीत कर गई है भाई। मैच देखो, मेरी तबीयत, अब मैं खाया पिया ये सब, भाई फोन कर लेना, बात कर लेना, सब बता दूंगा आप लोग। भाई मैच देखा करो, मैच आदमी दिखा रहा है आप लोग को, मैच दिखाने आया है आप लोग। मंजीर पट्टी अभी नहीं आई है, कल एक मंजीर पट्टी मुझे लगता है जूनियर थे, बच्चे थे, उनकी टीम खेली है मंजीर पट्टी, लेकिन वो हार गई थी। मुंडियार की दोनों टीम खेल चुकी है। मुंडियार की दोनों टीम खेल चुकी है। भैया मुंडियार की दोनों टीम जीती है यार, यार भैया एकदम लाइन लगा देते हैं कमेंट की। गाली गलौज न करिए कमेंट में, जिसने भी गाली दिया है वो सीधे ब्लॉक हो जाएगा भैया। क्यों आप लोग तीन छक्के
दो ओवर की समाप्ति पर स्कोर हो गया है 17 रन। दो ओवर की समाप्ति पर स्कोर हो गया है 17 रन। अब 12 बॉल पे 20 रनों की जरूरत है क्योंकि 4 ओवर में 47 का टारगेट दिया था। सिक्ठी भाई जीत के गई है, अब कमेटी जब बुलाएगी तब बुलाएगी भैया, मुझे नहीं मालूम है, खिलाड़ियों को भी नहीं मालूम होगा। जितने गांव के लोग उतने गांव का नाम कहां से मैं याद रखूंगा। दो ओवर होगा भाई, एक ओवर हुआ है। चलिए हो सकता है एक ओवर हो, 18-30 चाहिए। हाँ भैया चिड़ी मार कल जीती है। अच्छा भाई सॉरी एक ओवर हुआ होगा। कमेंट करने वाले यार दिमाग डिस्टर्ब कर देते हैं ना भाई, जो फालतू का कमेंट करने लगते हैं ना तब दिमाग थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। वाह, हाँ ये ओसामा खेल रहा है, 24 रन बन गया। क्या नहीं बता रहा हूँ भाई आपका, क्या इतना सवाल आता है कि किसका किसका जवाब दिया जाए। खुरासो भाई टीम बैठी हुई है, अब कमेटी कब किसका कराएगी मैं नहीं बता सकता दोस्त, जिसका अनाउंसमेंट होता है उसका बता देता हूँ। कैच आउट, ओसामा आउट। वो ब्लॉक हो रहा है भाई अभी, ओसामा आउट। जयराजपुर के पास ओल्ड इज गोल्ड खिलाड़ी है भैया। भाई आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं कतर से हूँ, गाँव का मैच देख रहा हूँ आपकी। हाँ भाई लेकिन कुछ लोग जो है ना नहीं समझते हैं। अरे भैया जितेंद्र कबड्डी अपना कमेंट संभाल लो वरना ब्लॉक हो जाओगे भैया। क्यों अपने आप को जो है, बहुत पुराने हो, लाइव देखता हूँ लेकिन देख रहा हूँ आज कुछ ज़्यादा ही फालतू बोल रहे हो भाई, ब्लॉक हो जाओगे। दो ओवर की समाप्ति के बाद 25 रन बन चुका है, अब दो ओवर में 22 रनों की जरूरत है। खंडवारी को यह मैच जीतने के लिए दो ओवर में
22 रन चाहिए। भैया वो इंडिया वाले मैच की कोई रिपोर्ट बता सकता है क्या हुआ? मेरा मोबाइल लगा हुआ है लाइव में तो मैं नहीं देख पाया हूँ। अगर कोई भाई देख रहा हो तो बता दे भाई क्या स्कोर हुआ। ये 6 रन के लिए बाउंड्री के बाहर गई है। एक सौ अड़तीस पे सात। अच्छा भाई शुक्रिया फिर से। हिटलर भाई जयराजपुर हमारे पर्सनल मैसेज पे भी भेज दिए शुक्रिया भैया शुक्रिया। 22 ओवर बचे इंडिया को जीतने के लिए 3 विकेट चाहिए भाई। कैच पकड़ लिया गया है जबरदस्त कैच। हर जगह अभी ग्राम सभा का टूर्नामेंट हो रहा है तो अफजल 11 कोयलाड़ी अभी नहीं आ रही है। जबरदस्त कैच पकड़ा भाई बॉलर ने, नाम तो नहीं मालूम है मुझे, बॉल किया है और खुद दौड़कर बॉल को फील्ड किया। अरे उसे अच्छा पब्लिकियस पूछ लेगा यार।
और कैच का कुछ लेके कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं दोनों। चला था बर्दक तू सामने कैच ना रहा। हाँ ना पकड़े थे ना पकड़े अवरियम बजा के तो गिर गया चुतना चुतना खंडवारी ये मुकाबला जीत गई है। मिलते हैं अगले मैच में जो कि खुरासों और किसी का है। तो अभी आते हैं वापस लाइव में, जुड़ते हैं आप लोग से।